तो हम देखेंगे फ्लावर वगैरह वाली के बातों में, तो फ्लावर क्या होता है? एनसीईआरटी में बहुत अच्छी, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, सिंपली एक ही लाइन में कहती है, मॉडिफाइड शूट होता है फ्लावर। और बेसिकली ये कैसे बनता है, मान लो ये था एक ब्रांच निकली हुई है, ब्रांच नॉर्मल किसकी निकलती है, एपिकल मेरिस्टेम की, पर अगली ब्रांच पे क्या होगा, ये एपिकल मेरिस्टेम नहीं बचेगा, ये एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम यानी कि फ्लावर की मेरिस्टेम बन जाएगा, जो कि अब एपिकल को नहीं यानी कि स्टेम को नहीं, अब जो फ्लावर को जन्म देगा, फ्लावर में जो बेसिकली इसके इस एपिकल मेरिस्टेम के जो नोड और इंटर नोड है वो शॉर्टन हो जाएंगे, इंटर नोड सॉरी शॉर्टन नहीं होंगे, ये इलोंगेट नहीं करेंगे, अब जैसे बढ़ते रहते हैं हम आगे, एक फ्लावर बन गया वो अपनी जगह पे रहेगा, अब वो ऐसे ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है, बस जितना बन गया वो कंडेंस होकर उतना ही रहता है, गेट्स कंडेंस एक्सिस इस जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम की, या फिर आप फ्लोरल मेरिस्टेम की, सॉरी शूट एपिकल नहीं फ्लोरल मेरिस्टेम की, वो कुछ अपेंडेजेस अपने ऊपर बनाएंगी लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, जो कि जिनको हम फ्लावर बोलते हैं, ऐसे ये है इस पे फ्लावर ऐसे आएंगी हर नोड पे, ठीक है, या दैट्स इट, इसलिए एक जो है ये इंटर नोड डू नॉट इलंगेट, यहाँ पे एक और फ्लावर है, तो ऐसे बनते ये होते हैं फ्लावर, दैट्स इट। और अगर कभी भी एक शूट होती है, शूट की टिप पे कभी भी ये फ्लोरल मेरिस्टेम बन के एक फ्लावर आ जाए, तो ये समझ लेना कि अब ये इसकी ग्रोथ इतनी है, इसकी हाइट एच मैक्स हो चुकी है फिक्स। अब जो हम पढ़ रहे हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस, यानी कि फ्लावर का अरेंजमेंट इनफ्लोरेसेंस। तो इसका मेन क्राइटेरिया होता है बेसिकली कि जो फ्लावर की एपेक्स है, बिल्कुल टॉप है, क्या वो सॉलिड, उस पर कोई फ्लावर तो नहीं बन गया, या फिर उस पर नहीं है और वो प्रोलोंग उसकी जो है बेसिकली ग्रोथ होती रहेगी, तो इसकी उस पर आते हैं दो तरह के हमारे इनफ्लोरेसेंस, एक होती है रेसिमोस एक होती है साइमोस। तो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस जो होती है वो ग्रो करना कंटिन्यू करती है, और फ्लावर होते हैं लेटरली बोन करते हैं उस पर अपने उस पर, कुछ इस तरह से मान लो ये, ठीक है, एक्रोपिटल मैनर पे, ये बिल्कुल जो है वो है अपना क्या बोलते हैं मैच्योर फ्लावर है, और ये बिल्कुल छोटे बच्चे वाले फ्लावर हैं ऊपर की तरफ एक्रोपिटल मैनर में, मैं बता चुका हूँ बिल्कुल इस तरह से, देखो ये यहाँ पे वैसे फ्लावर इतने मॉडिफाइड नहीं है, इतने अंदर ही बंदी हैं छोटे छोटे हैं, जबकि यहाँ फ्लावर अपना आराम से खिल हंस खेल रहे हैं, ये आगे भी चलते ही प्लांट बड़ा होता रहेगा फ्लावर बनाता रहेगा। तो दिस इज व्हाट, अब साइनोस इनफ्लोरेसेंस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कुछ इस तरह से, इसके एक टॉप पे जो है बेसिकली अब एक टॉप पे ही बन चुका है एक फ्लावर, सबसे जो है बिल्कुल मॉडिफाइड फ्लावर, अब तो और फ्लावर कहाँ बनेंगे, नीचे ही बनेंगे इससे ऐसे नीचे की तरफ ग्रोथ हो रही है साइमोस इनफ्लोरेसेंस में देखोगे तो, और बेसिपिटल मैनर पे चल रहे हैं, इस पे भी एक और शूट है, इस पे भी मॉडिफाई होगा, अब इस पे भी ऐसे ही बेस पे ऐसे 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 ऐसे, ये बेसिपिटल हर जगह हर स्टेम के उस पे हर बेसिकली ब्रांच पे हर स्टेम पे ऐसे एक बेसिपिटल मैनर में अरेंजमेंट चल रहा है फ्लावर्स का। ओके ऑसम, ये देखो बेसिपिटल है, ठीक है, सो दिस वाज साइमोस इनफ्लोरेसेंस, इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। तो अब फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी से लेके इसका सब कुछ, सो व्हाट इट इज रियली, सो लेट्स सी दैट। तो जैसे हमारे गोनाड्स होते हैं, प्लांट्स में भी गोनाड्स होते हैं, उनका नाम भी आप जानते हैं, उनका नाम फ्लावर है, दीज आर मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो फ्लावर कैसे अरेंज, फ्लावर में कुछ वर्ल्स होते हैं, वर्ल्स मतलब यू नो दिस, गुच्छे होते हैं, किस किस चीज़ के गुच्छे होते हैं, सो लेट्स सी, फ्लावर में कुछ अपेंडेजेस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, बेसिकली जो स्टॉक है फ्लावर का या पेडिसिल भी जिसको बोलते हैं, उसका जो स्वॉलन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस, इस थैलेमस पे ही फ्लावर बेसिकली अरेंज होता है, इसलिए नेचर ने इसको स्वॉलन रखा है ताकि इस पे आराम से हमारा फ्लावर जो है यू नो बिल्कुल इस तरह से देखो ये स्वॉलन है अरेंज हो सके। अब इस पे चार वर्ल पाए जाते हैं, एक होता है ऐसे ये छोटे छोटे पत्ते पतले पतले, और एक होते हैं बड़े पत्ते जिनको जिनमें रंग होता है, ठीक है कुछ ऐसे, और इनके ऊपर होते हैं दो रिप्रोडक्टिव, एक होता है मान लो ये मेल का है तीर और ये फीमेल का ऐसे कटोरा। ओके ऑसम, सो दिस इज़ व्हाट, ये चार वर्ल होते हैं, इसको बोलते हैं कैलेक्स, कैलेक्स ये हरी हरी लीफ से होते हैं, करोला इस पर हमारे पेटल्स होते हैं, ये सेपल्स होते हैं बेसिकली जिस पे जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये होता है गाइनीशियम फीमेल, ये होता है एंड्रोशियम जो यानी कि मेल जो है वर्ल्ड। तो कैलेक्स और करोला तो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, वेयर एज एंड्रोशियम गाइनीशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पर इन सम प्लांट्स लाइक लिली, तो लिली में कैलेक्स और करोला जो है डिस्टिंक नहीं होते, वो एक ही जैसे होते हैं बेसिकली। लिली में क्या होता है, थैलेमस को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये जो है दोनों कैलेक्स और करोला, इसके ऊपर एंड्रोशियम भी बनेगा गाइनीशियम भी बनेगा, ठीक है, ये मान लो एंड्रोशियम है ये गाइनीशियम है छोटे छोटे ऐसे, तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ लिली। अ फ्लावर बेसिकली ऑन बेसिस ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो तरह के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों एंड्रोशियम और गाइनीशियम एक ही फ्लावर की एक ही थैलेमस पे मिलता है एक ही वर्ल्ड में, ठीक है, और या फिर एक फ्लावर ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम है या फिर सिर्फ गाइनेशियम यानी कि मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दैट इट हैज़ ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पेल्स। तो एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी बोलते हैं और कार्पेल को हम ये अपना गाइनोशियम भी बोलते हैं।
तो अब सिमेट्री ऑफ फ्लावर पे बात कर लेते हैं। यहाँ तो पहली सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, उसको बोलते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिन मतलब रेडियल होता है बेसिकली, एक्टिनोमॉर्फिक जिसको बहुत बार डिवाइड किया जा सके, या फिर जाइगोमॉर्फिक। जाइगो को मतलब होता है टू टू बेसिकली, दो यानी कि मिलान, दो दो चीज़ों का होता है पेयर का। तो इसमें होगी बायलैटरल सिमेट्री। सो ओके, तो एज यू नो एक्टिनो रेडियल और ये बायलैटरल, तो इसका एक्टिनोमॉर्फिक का है रेडियल सिमेट्री बेसिकली। एमसीडी मस्टर्ड चिली दतूरा, कहीं से भी घुस जाती है रेडियली, दून 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 दून। ठीक है, किसी भी गली में बुला लो इनको, एमसीडी पहुंच जाएगी नाली के डब्बे लेके। अब होते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक में जी बी रोड जो कैसिया है, जी बी रोड कैसा है, जी बी कैसिया। ठीक है, तो ये जाइगोमॉर्फिक है, यहाँ पे जाइगोट बनते हैं। गुलमोर बीन और कैसिया कैसा है, और ये एमसीडी मसर्ड चिल्ली धतूरा। तो ये नीट के सवाल थे भाई, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक के जो है बेसिकली बताओ। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट मैन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ए सिमेट्रिक फ्लावर जो कैना में देखने को मिलता है, कोई सिमेट्री नहीं होती कुछ भी, कैसा भी फ्लावर है। तो बेयर विद मी फॉर अ सेकंड। तो फ्लावर जो होते हैं बेसिकली, पहली बात तो उनके पेटल्स के बेसिस पे, उनके पास कितने पेटल्स हैं, कितनी फ्लोरल अपेंडिसेस हैं, क्योंकि कैलेक्स भी उतने होंगे, वो भी उतने होंगे, इनको बोलते हैं ट्राइमेरस टेट्रामेरस। और वो कितनी फ्लोरल अपेंडिसेस हैं भाई हमारे पास, जैसे यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सामेरस हो गया, ऐसे ये होते हैं। ये सबको ये बहुत बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ फ्लावर होते हैं फ्लावर्स विद ब्रैक्ट रिड्यूस, ब्रैक्ट मतलब क्या होता है, रिड्यूस लीफ, जो बेसिकली होते हैं फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल। पेडिसिल सबको पता है क्या होता है, या जो बेसिकली लीफ बेस होता है, जहाँ पे यू नो फ्लावर का बेस होता है, यहाँ पे ब्रैक्ट लगे होंगे। पेडिसिल बहुत छोटा होता है इनमें, जैसे ये टाइनी फ्लावर है, इनके ऊपर पेडिसिल है इनके पास छोटा सा, और उसके नीचे जो लीफ है वो बहुत बड़ी है। इन लीफ को बेसिकली जो है, दिस लीव्स दैट आर रिड्यूस एट द बेस ऑफ दिस यू नो पीटियोल्स ऑफ दिस टाइनी फ्लावर्स, दीज आर कॉल्ड एज ब्रैक्ट्स। तो फ्लावर जो है ब्रैक्टेट हो सकते हैं और ई ब्रैक्टेट भी हो सकते हैं। तो बेस और बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ गाइनीशियम विद रिस्पेक्ट, या फिर कह सकते हैं हम बे उल्टा इसका कहेंगे, बेस ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ कैलेक्स करोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू गाइनोशियम। ठीक है, तो हम फ्लावर को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरीज में। तो पहला होता है हाइपोगाइनस, मतलब जो पेरिफेरल पार्ट है, और एंड्रोशियम कैलेक्स करोला ये सब जो है हाइपोगाइनस हैं, यानी कि गाइनस के नीचे हैं, यानी कि जो है अपना कार्पेल्स के नीचे पाए जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे इसी तरह की ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, सो दैट्स इट। और ये देखने को मिलती है हमको मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में। चाइना रोज में तो साफ एविडेंट ये टॉप होती है, इसके साइड में छोटे छोटे टिंच कोड़े होते हैं, तो इसको यह यू नो दिस राइट सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। मस्टर्ड और ब्रिंजल में भी ये देखने को मिलता है, मस्टर्ड में भी एविडेंट होती है, कुछ ऐसे होते हैं मस्टर्ड की लिप्स, या ब्रिंजल में भी होता ही है, तो सुपीरियर ओवरीज को बोलते हैं। अब देखते हैं पेरीगाइनस, यानी कि गाइनस के रिस्पेक्ट में पेरीफेरल में जो है हमारे वो मिलते हैं अदर वर्ल्ड्स, यानी कि थैलेमस की रिम पे, रिम ऑफ द थैलेमस, द गाइनीशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एट द पार्ट ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड इन द रिम ऑफ द थैलेमस एंड दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। मे भी हो सकता है कुछ ज़्यादा ऊपर हो कोई नीचे हो, इस तरह की ओवरी को हम हाफ इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। ये पूरी तरह से इन्फीरियर नहीं होती, थोड़ी ही इन्फीरियर होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यू नो दिस। इफ्स जो आएगा आगे एपी गाइनस, यानी कि गाइनस के ऊपर अदर पार्ट्स यू नो फ्लावर के अदर वर्ल्ड्स, तो ये एपीनियस, यहाँ पे ही है ट्रू इन्फीरियर ओवरी जो ओवरी हमको देखने को मिलती है। और मैं बताना भूल गया कि पेरीगाइनस हमको देखने को मिलता है प्लम रोज और पीच में, जिस तरह की फोटो होती है पेरीगाइनस की, प्लम रोज और पीच में हमको देखने को मिलती है। रोज़ में पेरीगाइनस हाँ ऐसा ही तो होता है, नीचे वे तिंच से बने होते हैं वो ओवरी होती है, और ऊपर ऐसे एंड्रोशियम निकले हुए होते हैं, ये फ्लावर भी रोज़ के ऊपर होते हैं, वाओ। और या कैलेक्स भी, तो रोज़ की तो समझ आ रही है कुछ इस तरह की होती है पेरीगाइनस, ये पीच और प्लम की होगी, या पीच और पीच भी तो ऐसे ही अजीब सा होता है, उसमें सिंटकोड़ा अंदर बना होता है, वो इसीलिए ही होता है कि ये पेरीगाइनस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एपीगाइनस, यानी कि इसके ऊपर अपने गाइनस के ऊपर, गाइनीशियम के ऊपर है सब कुछ हमारे वर्ल्ड्स, तो इस तरह के ओवरी को हम इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं, ये गवावा कुकुम्बर में देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, यहाँ तो थैलेमस होता है ना, वो पूरी ओवरी के साथ फ्यूज़ कर लेता है उसको, थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एंड क्लोजिंग द ओवरी एंड कम्प्लीटली गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। तो ओवरी के साथ फ्यूज हो जाता है थैलेमस, और जो अब ये इससे क्या होगा, अदर जो फ्लावर पार्ट्स होंगे वो ओवरी के अबाव आ जाएंगे। तो यह तो थैलेमस खा रहे होते हैं हम बेसिकली गवावों में, वो हरा हरा जो इतना अजीब सा होता है, गवावा और कुकुम्बर में बहुत ज़्यादा जो है थैलेमस भी खा रहे होते हैं, वाओ। थैलेमस ओवरी को जो है वो कवर कर लेते, देखो ऐसे यही तो होती है ऐसी गवावा कुकुम्बर की ओवरी, ऐसे दाने दाने वाली सीड जो हमको देखने को मिलती है। फिर इसके ऊपर जो होते हैं वो ये पिस्टिल है, इसके ऊपर जो हमारे वो हैं
या एंड्रोसियम गाइनेशियम एंड्रोसियम कैलेक्स और करोला. तो दिस इज व्हाट एपिगाइनस फ्लावर्स आर एंड द इंफीरियर ओवरी. तो ये देखने को मिलते हैं गवावा, कुकुम्बर और सबसे इंपॉर्टेंट इन तीन जितने भी हैं रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. तो कुछ इस तरह के होते हैं ये रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर और इसके आसपास देखो ऊपर हैं सब एपिगाइनस हैं, है ना. ये देखो ये इतने टाइट से क्यों है, क्योंकि ये थैलेमस से कवर्ड हैं, हरे हरे भी हैं. तो वन बाय वन अब इन वर्ल्ड्स को पार्ट ऑफ फ्लावर को पढ़ते हैं.